150 साल पहले फिल्म्स बनने लगी थी इंडिया में और दादा साहेब फाल्के एज राइटफुली यू मेंशन्ड इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो फिल्मों से जुड़ना एक कलाकार के माध्यम से लोगों के जीवन तक पहुंचना, टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ पीपल्स मेमोरीज एंड मोमेंट्स ऑफ लाइफ इज सच अ प्रिविलेज. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एज आर्टिस्ट एज अ कम्युनिटी व्हाट दादा साहेब फाल्के स्टार्टेड हैज़ ऑफ कोर्स लेड टू द लेगेसी दैट वीव ऑल बीन एबल टू बी अ पार्ट ऑफ एंड बिल्ड ऑन. सो इट्स अ वेरी वेरी मोमेंटस ईयर स्पेशली बिकॉज इट्स 150th ईयर. और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और फिल्मों का हिस्सा हूँ. मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब धक धक रिलीज़ हुई थी, मैंने ये बहुत मरतबा इस बात को लोगों के जहन में डालने की कोशिश की कि 150 साल लगे हमारे देश को एक ऐसी कहानी लिखने के लिए और बनाने के लिए जिसमें चार औरतें सहयात्री बनकर, हम सफ़र बनकर मोटरसाइकिल्स पे दिल्ली से खारदुंगला जाते हैं. और हम इतने खुश हैं कि इस फिल्म ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, इतने सारे लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को और जितने भी आई थिंक लिस्ट्स बनी है फॉर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2023, धक धक उसका हिस्सेदार है. और उम्मीद करती हूँ कि अवार्ड्स के ज़रिए हमारी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और भी प्रोत्साहित हो कि ऐसी कहानियाँ वो बनाते रहें. थैंक यू. उनके आज 12 साल हुए और 8 साल से उनका अवार्ड फंक्शन चल रहा है. आई जस्ट फील वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव कम ऑन अ स्टेज लाइक दिस टू अनवेल देयर. आप सबने देखा डिजिटल पोस्टर उनका. सो इट्स अ वेरी हाई एनिमेटेड थिंग एंड इट एक्चुअली शोज द अवार्ड गो थ्रू ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे एंड एवरीवेयर. एंड इट्स सो नाइस दैट वी हैव लेगेसी मीटिंग कल्चर नाउ एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी, जहाँ वो पूरा एक पोस्टर इतना इंटरेस्टिंग, इतना इंटरैक्टिव बना दिया है दैट आई एम वेरी ग्लैड. दे डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई विश एवरीबडी दिस ईयर हु इज़ गेटिंग द अवार्ड ऑल द बेस्ट एंड अ बिग कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. 2023 में बहुत सारी अच्छी फिल्में, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? ओह माय गॉड, इडियट तो नहीं हूँ मैं. आई थिंक आई से एनिमल. मुझे एनिमल बहुत पसंद आई. मैं रणबीर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और रणबीर की दोनों पिक्चरें आई है इसी साल में.
it's just a treat to watch him. I think for me, I absolutely love watching him. So I'd say Adamant. 2024 में कौन-कौन से upcoming projects हैं अगर आप share करना चाहें? मेरे छोरी 2 है, आपके पड़ोस में है, तो दो एक और है, उसका पता नहीं कब रिलीज, इस साल होगा, अगले साल होगा, I don't know. So let's see, 2 at least. Yeah. जी. हर एक फिल्म उसके अलग-अलग opinion रहते हैं, मतलब सभी ready वक्त आती है. यार देव कॉल प्यार का पंचनामा ऑल्सो मिसोजिनिस्ट, तो इस शब्द से तो मैं बहुत सालों से वाकिफ हूँ. इस शब्द का सवाल मुझे बहुत सालों से पूछा जा रहा है. मेरा जवाब तब भी वही था, मेरा जवाब आज भी वही है कि अगर प्यार का पंचनामा हिट हो सकती है और इतने करोड़ कमा सकती है और एनिमल 600 करोड़ कमा सकती है, तो ये सवाल मुझसे नहीं, हमें ऑडियंसिस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा. और अगर उन्होंने इतनी बार आके 600 करोड़ दिए पिक्चर को, तो उनको कुछ तो पसंद आया होगा ना. क्या जी कहीं ना कहीं आपको लगता है, अगर आपने सवाल उठा ही लिया है तो मैं तो कह रही हूँ कर लो, स्टार्ट कर लो. आप बताओ लोगों को कि वो भी थे और उनके के नाम पे एक अवार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उनके उनके नाम पे. चाहो तो क्रिटिकल ये हो सकते हैं, अगर ये दादा साहब फाल्के हैं तो उनके नाम पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो सकते हैं, जैसे हम सब अवार्ड्स में करते हैं. पॉपुलर होता है, क्रिटिक्स होता है, तो हम वैसे कर सकते हैं. दैट वे एवरीबडी गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, राइट? सॉरी, नाउ यू कैन, जवाब तो कंप्लीट करने दो. जी जी जी. आई थिंक द फैक्ट दैट इट्स सच अ बिग मोमेंट फॉर द होल कंट्री टू सेलिब्रेट. हम सब ने देखा है कि उस दिन क्या इमोशन था सब सबके पास, सबके तरफ. जब भी हम फ़ोन खोलते, जब भी एक दूसरे से बात करते, मैं बॉम्बे में नहीं थी बट जहाँ मैं थी वहाँ टीवी पे हम पूरा वो लॉन्च देख रहे थे. एंड इट वॉज अ आई थिंक एक इमोशन ना पूरे देश को जो कनेक्ट करता है वो उस दिन एक्चुअली महसूस हुआ. So it's a very big moment for all of us and we celebrated it and I hope we continue to celebrate it as well. अरे मैं एक्चुअली जाके आई हूँ. राम सेतु का मुहूर्त शॉट, जब अयोध्या पूरी तरह बना नहीं था, इट वॉज स्टिल इन द प्रोसेस, हमने वहाँ जाके मुहूर्त शॉट किया था और पूजा की थी. आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लक्की कि हमें उस फिल्म के थ्रू मुझे मौका मिला वहाँ जाने का. तो मैंने एक्चुअली वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें देखी थी. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वेंट देन बट आई वॉन्ट टू गो इवन नाउ. तो आई होप, मैं बता रही हूँ ये जो एक इमोशन होता है ना, इसका बुलावा आता है. आप कहते हैं ना भगवान का बुलावा जब आता है तो आप पहुँच जाते हो, तो जब भी आएगा मैं पहुँच जाऊँगी. थैंक यू गाइस. All the best for release. Thank you so much. On 9th Feb, Z5 is brilliant. Oh yeah, yeah. Thank you. Everywhere. अरे नहीं आप खत्म करिए खत्म कर लेते. एक तो बहुत अच्छी बात है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हम लोग सब यहाँ, हम दोनों यहाँ आए हैं और हमारी खिचड़ी 2 फिल्म जो रिलीज होने वाली है Z5 में, उसके एवज में हम लोग आए हैं. हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हम लोग यहाँ आज हैं. अवार्ड के साथ हमेशा एक क्रेडिबिलिटी का जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है. आपको, आप देखते हैं साल में बहुत सारे अवार्ड कहीं कहीं जगह होते हैं, तो जब दादा साहब फाल्के अवार्ड आता है तो आपके मन में एक
उसकी एक स्टैंप लग जाता है, वेरी क्वालिटेटिव वेल डिजर्विंग अवार्ड जिसको जिसको भी मिलता है उसकी ज़िंदगी में। बाकी कोई भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं पर एक दादा साहब फाल्के आ जाता है तो आपके हाथ में ऑस्कर से भी ज़्यादा एक गर्व की बात आ जाती है हिंदुस्तानी के लिए कि भाई दादा साहब फाल्के जिनके साथ हमारी सिनेमा का, हमारे मनोरंजन की दुनिया का एक ऐसा दौर जुड़ा है जो कि शुरुआती दौर था। तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अवार्ड इंडिया का कहा जाए, ऑलमोस्ट मैं तो नेशनल अवार्ड, ये आप ये तय नहीं कर पाओगे कौन सा ज़्यादा रेप्यूटेड और कब कौन सा ज़्यादा पहले से शुरू है। तो इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड अवार्ड और इसकी खुशी बहुत होती है। ज़रूर खिचड़ी टू इतने सालों से लोगों का मनोरंजन करते आई है और ख़ास करके छोटे पर्दे पर तो बहुत ही किया है हमने। अभी हमको 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट मिले हैं, रिपोर्टर मिले जिन्होंने हमको कहा कि हम सर एक फ़ोटो लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि थैंक यू हमारा बचपन सुधारने के लिए। तो ये जो कमेंट हमको मिलती है, कॉम्प्लीमेंट मिलती है इतने सालों से मिलती है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि खिचड़ी जो एक ब्रांड है लोगों के घरों में सालों से एकदम अपनापन जता के रही है। तो जब टीवी पे और स्पेशली जब OTTs जैसा Z5 पे आएगी तो वो बहुत सारे लोग जो इतना इंतज़ार करके बैठे हैं देखने के लिए उनको ये देखने का साथ मिलकर हंसने का मौका। हम हमेशा मानते हैं कि फैमिली कंटेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पूरा परिवार साथ बैठ के देखे, साथ मिलकर एंजॉय करें। तो Z5 पे लोगों को ये मौका मिलेगा एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं और Z5 जैसे सक्षम प्लेटफॉर्म पर आ रहा है तो बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू। खिचड़ी टू मिशन पान तुर्किस्तान वही अपने आप में एक बयां करता है कि कोई एक ऐसा मिशन है। और जब पान तुर्किस्तान की बात करते हो तो ऐसी कंट्री ऐसे देश की बात होती है कि क्या है पनी लगता है। और जैसे जैसे आपने उसके प्रोमो ट्रेलर देखा होगा तो एक ऐसी कंट्री हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो प्रफुल्ल है उनके लुक अलाइक वहाँ के राजा है जो कि बहुत ही क्रूर है, अपनी प्रजा पे बहुत ही जुल्म ढाते हैं और वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ये पारिक परिवार प्रफुल्ल के ज़रिए उस राजा को रिप्लेस करके पूरे दुनिया को बचाने का मिशन हाथ में लेते हैं। आप सोच सकते हैं जब प्रफुल्ल और पारिक परिवार ऐसा कोई मिशन हाथ में लेंगे तो वो मिशन किस हद तक जा सकता है या किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है और उस पर क्या उटपटांग चीज़ें होके कितना ह्यूमर कॉमेडी और मनोरंजन आ सकता है। तो ऐसा प्योर फन फिल्म एडवेंचर कॉमेडी है मिशन पान तुर्किस्तान पे जाने की जर्नी और वहाँ का पूरा जो एक प्रोसेस है बड़ा मज़ेदार रहा है। अनंत जी ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बैठो दादा। क्या कहा था भाई,
और खबर फैला देना कि हमारी फिल्म खिचड़ी 2 मिशन 5 पाकिस्तान आ रही है Z59 फरवरी Z5 मैंने कहा था Z59 फरवरी देखिए ना वही तो लिखा है खिचड़ी 2 मिशन 5 पाकिस्तान Z59 फरवरी पूछो वाले अंसा इसके बाद कॉमा होना चाहिए Z5 के बाद यूं कॉमा होना चाहिए Z59 फरवरी आजकल कॉमा कौन पढ़ता है टाइम तो होता है लोगों के पास ए मांचू अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो सबको पता कैसे चलेगा कि हमारी फिल्म खिचड़ी 2 मिशन 5 पाकिस्तान आ रही है Z5 पे 9 फरवरी से चल रट्टा लगा तू खिचड़ी 2 मिशन 5 पाकिस्तान Z5 9 फरवरी करेक्ट आप सब लोग याद रखिए हमारी फिल्म खिचड़ी 2 मिशन 5 पाकिस्तान आ रही है Z5 पे 9 फरवरी से लगाए रखा किसी को पता नहीं चलेगा अब तो हमें सब याद हो ही गया लेकिन अब जब इतना याद करवाया तो जरूरी है कि हम जरा ये जो बहुत ही एंटीसिपेटेड आ रही है Z5 पर 9 फरवरी पर उसका जरा एक होम देख लिया जाए।